और अब बात एमसीडी चुनाव की। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीतकर बीजेपी का किला ध्वस्त कर दिया, लेकिन मेयर पद पर पेच फंस गया है। सारी नजरें फिलहाल एलजी पर है। एमसीडी की बैठक कब बुलाई जाएगी ये मेयर को तय करना है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का किला तो ध्वस्त कर दिया, अब चुनौती मेयर पद पर कब्जे की है, क्योंकि नतीजे आने के तुरंत बाद बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा। मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा, और जब वोटिंग होगी पूरा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी, इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहे। और खामियां रह गई आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें? वो हम समीक्षा करेंगे, वो हमारी बात की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारा मेयर बन जाए। सवाल उठता है कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है तो फिर मेयर बीजेपी का कैसे होगा? ऐसा हो सकता है, इसका फॉर्मूला हम बताएं। उससे पहले बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय का ट्वीट देख लीजिए। अब दिल्ली का मेयर चुनने की बारी। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि करीबी मुकाबले में कौन अपने पास नंबर बनाए रख सकता है, मनोनीत पार्षद किस तरह से मतदान करते हैं आदि। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर है, मिसाल के तौर पर चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर है। दरअसल चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी, लेकिन आपके मुकाबले पार्षदों की कम संख्या के बावजूद बीजेपी अपना मेयर निर्वाचित कराने में कामयाब रही। हालांकि आपका दावा है कि मेयर तो उसी का होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी करना चाहेगी और बेईमानी से सरकार बनाना चाहेगी तो हम लोग इसके लिए जो है पूरी तरीके से तैयार है, और हमारे लोग जो है उनको एक्सपोज करेंगे, हमारे लोग उनका स्ट्रिंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप बेफिक्र रहिए, अगले 5 साल अच्छे बीतेंगे, क्योंकि अब एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में काम होगा, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, मुझे लगता है कि वहां पर बदलाव होगा और विपक्ष अगर सही से वो भूमिका निभाए तो उसका स्वागत है। आम आदमी पार्टी का दावा अपनी जगह है, लेकिन मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर गौर करेंगे तो बीजेपी के दावे की सच्चाई का अंदाजा आपको हो जाएगा। नियम पर गौर कीजिए, पार्षद सीधा मेयर को चुनते हैं, पार्षदों पर कोई व्हिप लागू नहीं होता, वो पार्टी के आदेश के विपरीत वोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर सदस्यता खोने का डर नहीं। यानी अगर कोई पार्षद क्रॉस वोटिंग करता है उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। इसी तथ्य से आम आदमी पार्टी थोड़ी सहमी हुई है। मुझे तो अभी भी शर्म आ रही उनके ऊपर, सारी डर्टी पॉलिटिक्स कर ली, सारा हथकंडा अपना लिया, बावजूद इसके हार रहे हैं और उसके बाद भी अभी बेशर्मी से बोल रहे हैं, उनको तो कमरे बंद करके बैठ जाना चाहिए सर, छुप जाना। साफ है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की एक बड़ी जंग तो जीत ली, लेकिन अब एक और जंग सामने है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कुमार कुणाल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दिल्ली में मेयर कौन होगा, इसके लिए जो प्रक्रिया है किस तरीके से चल रही है और अभी तक आसार क्या दिखते नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले गठन होना है, चुनाव आयोग को इसकी घोषणा करनी है, नोटिफिकेशन लागू करना है किससे पार्षद चुने गए चुनाव के बाद, उसके बाद बैठक का दौर शुरू होगा। और लग यही रहा है कि दोनों पार्टियां दावा नहीं छोड़ेंगी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी पहली बार 134 सीट पुश करके आई है, उसका दावा बनता है मेयर की सीट पर, लेकिन बीजेपी भी दावा कर रही है और उसके पीछे जो उसका कॉन्फिडेंस है उसके पीछे वजह यही है कि इसमें कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता है, सीक्रेट बैलेट होता है, आपको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि आपके खिलाफ किसने वोट किया, तो अपने पार्षदों पर कितना किसका अधिकार चल पाता है उसी से तय होगा कि कौन मेयर बनेगा। लेकिन साफ तौर पर है कि दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे और दोनों पार्टियों में कम से कम मुकाबला तो बहुत रोचक होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो क्रॉस वोटिंग किसने की ये पता भी नहीं चल पाएगा, विप भी जारी नहीं होता है, और इसलिए ये मेयर बनाने की बात दोनों ही पार्टी आम आदमी पार्टी और बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। कुमार कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के।